Namaste, this is Gitu Mirpuri from Divine to Chilling Academy. Divine to Chilling Academy में Numerology के classes conduct होते हैं और ये classes आप online भी सीख सकते हैं. ये classes में आपको basic और advanced Numerology सिखाया जाता है, जिसे use करके आप आपके day to day life को improve कर सकते हैं. ये video बन रहा है आपको बताने के लिए कि number 7 के अंदर क्या qualities होते हैं. Number 4 में हमने आपको बताया कि एक राक्षस का सर काटा गया अमृत समुद्र मंथन के बाद, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था. अब जो सर था उसको नाम पड़ा राहु और जो धड़ है उसका नाम पड़ा केतु. केतु जो है वो 7 नंबर वालों का प्लैनेट है. जो क्वालिटीज केतु के अंदर होती हैं वो 7 नंबर वालों के अंदर होती हैं. क्योंकि केतु प्लैनेट में सिर्फ धड़ है, सर नहीं है, तो कहा जाता है कि केतु वालों को कॉमन सेंस नहीं होता है, उन्हें सिंपल चीजें नहीं समझती हैं, पर उन्हें गहराई वाली चीजें जल्दी समझ जाती हैं. और उन्हें गॉड पर फेथ बहुत रहता है, कॉस्मिक पर फेथ बहुत रहता है. वो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं और अपने आप को गॉड को समर्पित कर देते हैं. उन्हें हर एक चीज के डेप्थ में जाना, हर एक सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना बहुत अच्छा लगता है. वो CID और डिटेक्टिव के जैसे एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं. जिज्ञासा बहुत होती है हर एक चीज को जानने की नंबर 7 वालों में. तो उन्हें रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं नंबर 7 वाले. और पुलिस का ड्यूटी बहुत अच्छा कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि नंबर 7 को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. बेसिकली नंबर 7 जो है केतु जो है वो भी पानी का प्लैनेट है, और चंद्र और शुक्र वो भी पानी के प्लैनेट है. पर केतु के प्लैनेट के लिए कहा गया है कि ये एक सॉल्टी वाटर है, मीनिंग ये संसार में रह के भी संसार से दूर रहते हैं. जैसे कमल का फूल रहता है कीचड़ में रह के भी कीचड़ से ऊपर होता है, वैसे नंबर 7 वाले लोग हमेशा गॉड से कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा अपने मेडिटेशंस में रहते हैं, और उनको कॉस्मिक के साथ कनेक्शन उनका बहुत अच्छा रहता है. चंद्र की जैसा उनका इंट्यूशन पावर, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा रहता है, और वो बहुत ही इमोशनल रहते हैं, नर्चरिंग रहते हैं, कोऑपरेटिव रहते हैं, दूसरों का दुख देख नहीं सकते हैं. उन्हें पता होता है कि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, फिर भी वो फॉरगिविंग नेचर के होते हैं. बहुत ही डिसेंट, नीट एंड क्लीन रहने वाले लोग रहते हैं. इनके अंदर शुक्र प्लैनेट के भी सारे क्वालिटीज होते हैं. जैसे शुक्र एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के जैसा रहता है, वैसा 7 नंबर के लोग भी बहुत ही पॉश या बहुत ही अच्छे मकान में रहते हैं, पॉश लोकेलिटी में रहते हैं, और अपने आप को हमेशा नीट एंड क्लीन और कॉस्मेटिक्स यूज करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. पर उनका जो माइंड होता है वो दुनिया की बातों में, दुनिया के लोगों के ऊपर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. वो अपने आप को अपने आध्यात्मिक उन्नति में बिजी रखते हैं. इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होता है नंबर 7 वालों का, क्योंकि नंबर 7 केतु प्लैनेट है. केतु प्लैनेट को छोटे मोटे सर्जरीज, एक्सीडेंट के साथ कनेक्ट किया गया है. तो देखा जाता है कि 7 नंबर वालों के छोटे मोटे सर्जरीज बहुत होते हैं, और उन्हें उनके एक्सीडेंट्स छोटे मोटे होते रहते हैं. नंबर 7 के जो लोग हैं, अगर बहुत कम पहले तो वो ट्रस्ट करते हैं किसी पर्सन के ऊपर रिलेशनशिप के लिए, तो इनके अफेयर्स कम होते हैं, इनका मैरिड लाइफ इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी के ऊपर. और नंबर 7 के जो लोग हैं उनको स्पिरिचुअल में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक लाइफ. स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा इनको इंटरेस्ट होता है कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक. थैंक यू.